महाराष्ट्र पूर्वतन मंत्री तथा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गुली करी कर हत्या। मुंबई में किसी दुर्वृत्त गुली करी हत्या करछंती। तबे गुली माड़ परे तुरंत लीलावती हॉस्पिटल रे भर्ती करा दिथिला। तबे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होईछि। गोटे गुली तांको पेटरे आ गोटे छाती रे माड़ होईछि। तबे गुली माड़ घटना रे पुलिस तीन जन को अटक रखी तदंत आरंभ करिछि। बाबा सिद्दीकी राति प्राय 9:15 रे मुंबई रो निर्मल नगर स्थित तांको ऑफिस रु बाहरथिले। से निज कार रे बसिबा खेणी तांको ऊपर को गुली माड़ होईथिला। से कार रे बसिबा खेणी ही प्रथमे बाण फुटीथिला। बाण फुटीबा मात्रे पूरा अंचल धुआमय हो जाइथिला। जहार फायदा उठाई आक्रमणकारी माने तांको ऊपर को कार भितरे ही एकाधिक राउंड गुली करथिले। तबे रक्ताक्त अवस्था रे तांको हॉस्पिटल को निया जाइथिला। डाक्टर सब प्रकार चेष्टा सत्वे से हॉस्पिटल रे प्राण हराइछंती। पूरा फिल्म स्टाइल रे बाबा सिद्दीकी को करा जाइछि गुली। से पूर्वतन महाराष्ट्र मंत्री एनसीपी रो वरिष्ठ नेता थिले। तबे तांको मृत्यु खबर सुनी पूरा बॉलीवुड ठु आरंभ करी नेता मंत्री हॉस्पिटल रे पहुंचथिले। तबे बाबा सिद्दीकी को हत्या खबर पाई महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दुख प्रकाश करछंती। एने से घटना रो तदंत करबा पाई निर्देश दैछंती। गोळीबार झाला अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये दोन आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।